माँ दुर्गा का चतुर्थ रूप कुष्मांडा का है। अपनी मंद हंसी से, अपने उदर से अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें माँ कुष्मांडा कहा जाता है। संस्कृत भाषा में कुष्मांड कुमड़े को कहा जाता है। कुमड़े की बलि इन्हें प्रिय है, इस कारण से भी इन्हें कुष्मांडा का नाम से जाना जाता है। जब सृष्टि नहीं थी और चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इन्होंने अपने हास्य से, मंद हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। यह सृष्टि की आदि स्वरूप है और आदि शक्ति भी। इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। सूर्य लोक में निवास करने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। कुष्मांडा देवी के शरीर की चमक भी सूर्य के समान ही है। कोई और देवी देवता इनके तेज और प्रभाव की बराबरी नहीं कर सकते। माता कुष्मांडा तेज की देवी है। इन्हीं के तेज और प्रभाव से दसों दिशाओं को प्रकाश मिलता है। कहते हैं कि सारे ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं तथा प्राणियों में जो तेज है, वो देवी कुष्मांडा की ही देन है। श्री कुष्मांडा की उपासना से भक्तों को समस्त रोग और शोक नष्ट हो जाते हैं। इनकी आराधना से मनुष्य विविध ताप से मुक्त होता है। माँ कुष्मांडा सदैव अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि रखती है। इनकी पूजा आराधना से हृदय को शांति और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इस दिन भक्ति का मन अनाहत चक्र में स्थित होता है। जो साधक कुंडलिनी जागृत करने की इच्छा से देवी आराधना में समर्पित है, उन्हें दुर्गा पूजा के चौथे दिन माता कुष्मांडा की सभी प्रकार से विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए और फिर मन को अनाहत में स्थापित करने के लिए माँ का आशीर्वाद लेना चाहिए और साधना में बैठना चाहिए। इस प्रकार जो साधक प्रयास करते, उन्हें भगवती कुष्मांडा सफलता प्रदान करती है, जिससे व्यक्ति सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है और माँ का अनुग्रह प्राप्त होता है। कुष्मांडा देवी अल्प सेवा और अल्प भक्ति से ही प्रसन्न हो जाती है। यदि साधक सच्चे मन से इनका शरणागत बन जाए तो उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो जाती है। देवी कुष्मांडा का वाहन सिंह है। देवी कुष्मांडा की पौराणिक कथा। यह देवी जिनके उदर में त्रिविध तापयुक्त संसार स्थित है, वह कुष्मांडा है। देवी कुष्मांडा इस चराचर जगत की अधिष्ठात्री है। जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, उस समय अंधकार का साम्राज्य था। देवी कुष्मांडा, जिनका मुखमंडल करोड़ों सूर्य के प्रभाव से प्रदीप्त है, उस समय वह प्रकट हुई और उनके मुख पर बिखरी हुई मुस्कुराहट से सृष्टि की पलकें झपकना शुरू हो गई। और जिस प्रकार फूल में अंड का जन्म होता है, उसी प्रकार कुसुम अर्थात फूल के समान माँ की हंसी से सृष्टि में ब्रह्मांड का जन्म हुआ। इस देवी का निवास सूर्यमंडल के मध्य में है और यह सूर्यमंडल को अपने संकेत से नियंत्रित करती है, रखती है। अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। माँ के हाथों में कमंडल, धनुष बाण, कमल का फूल, अमृत से भरा कलश, चक्र और गदा है। देवी के आठवें हाथ में कमल फूल के बीज की माला है, यानी कि कमल गट्टे की माला है। यह माला भक्तों को सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धि देने वाली है। देवी अपने प्रिय वाहन सिंह पर सवार है। जो भक्त श्रद्धापूर्वक इन देवी की उपासना दुर्गा पूजा के चौथे दिन करते हैं, उसके सभी प्रकार के कष्ट, रोग और शोक का अंत होता है तथा आयु और यश में वृद्धि होती है। के दिन से या चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी के दिन से देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए स्त्रोत और पाठ को शुरू करके रोज किया करें। माँ लक्ष्मी का मंत्र है, ओम श्रीम रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इसके अलावा दुर्गे स्मृता हर्षी विदिम से जंतो सुस्थाई स्मृता मति मति सुभाम ददासी। आज के दिन लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय। पान में गुलाब की 7 पंखुड़ियाँ रखिए और पान को देवी जी को चढ़ा दें, आपको धन की प्राप्ति होगी। गुलाब के फूल में कपूर का टुकड़ा रखिए और शाम के समय फूल में एक कपूर जलाएं और फूल देवी को अर्पित करें, इससे आपको अचानक धन मिल सकता है। 14 मुखी रुद्राक्ष सोने में जड़वा कर किसी पात्र में लाल फूल बिछाकर उस पर रखे, दूध दही घी मधु और गंगा जल से स्नान कराए, धूप दीप से पूजा करके
उस रुद्राक्ष को धारण करें। इमली के पेड़ की डाल काटकर अपने घर में रखें या धन रखने के स्थान पर रखें तो धन की वृद्धि होगी। एक नारियल और उसके साथ एक लाल फूल, एक पीला, एक नीला और एक सफ़ेद फूल माँ को चढ़ाए। नौमी के दिन यह फूल नदी में बहा दे और नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखें तो माँ प्रारब्ध कांटे की और अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। आज माँ को तिलक और काजल अर्पित किया जाता है। माँ का भोग। माता कुष्मांडा की पूजा करने के बाद माता को इस दिन मालपुए का भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के बाद दान करें या प्रसाद मंदिरों में भी बांटना चाहिए, इस दिन शुभ रहता है। इस दिन माता को मालपुए का भोग लगाने से माता प्रसन्न होकर उपासक की बुद्धि का विकास करती है, साथ ही साथ निर्णय करने की शक्ति भी बढ़ाती है। सुबह का भोग है माँ का नाशपति। 4 नाशपति माँ को अर्पित करें और शाम को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और बांटें भी। बुधवार को ताज़ा मक्खन का भोग भी लगाएं। चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी को महालक्ष्मी की विशेष आराधना की जाती है, अतः महालक्ष्मी के विशेष स्त्रोतों का जप आज से शुरू करके प्रतिदिन करें, इससे आपको धन, स्थायी धन प्राप्ति में लाभ होगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।
दिन साधक को अत्यंत पवित्र और शांत मन से देवी कुष्मांडा के स्वरूप का ध्यान रखकर पूजा करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है।